This is AC750 Wireless Dual Band Router, product of TP-Link. हम इसमें सीखने वाले हैं कि वायरलेस रिपीटर के तौर पे किस तरह से इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम एज अ रिपीटर इसको यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ सके। अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञानी A to Z और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले आपको। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे राउटर में तो वैसे ही आपको ये ऑप्शन मिलता है, क्विक सेटअप स्टार्ट मोड। आपको क्विक सेटअप स्टार्ट मोड क्लिक करके यहाँ पे रेंज एक्सटेंडेड क्लिक करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड आप देख रहे हैं राउटर सिग्नल को स्कैन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया है जिससे हमने राउटर को कनेक्ट करना है। अग्रवाल फॉर्म ये मिल चुका है, यहाँ पे हमने टिक कर लिया। देन नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट करते ही कुछ स्टेप का अगेन नेक्स्ट प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस वाईफाई से कनेक्ट करना था उस वाईफाई का नेम आ गया है, आफ्टर दैट मैक एड्रेस आ गया, और यहाँ पे की टाइप इंक्रिप्शन टाइप सब कुछ ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर चुका है। अब यहाँ पे हम उस वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे इंक्रिप्शन मोड के जस्ट नीचे। यहाँ पे पासवर्ड आपको सावधानी पूर्वक टाइप करना है, अगर जो पासवर्ड गलत हुआ तो कनेक्टिविटी नहीं लेगा और आपको राउटर को अगेन रीसेट करना पड़ सकता है। इसकी आईपी आपको पता ही होगी, इसकी आईपी एड्रेस इसके जस्ट नीचे लिखा होता है। सो उस आईपी को डायल करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी तो सब कुछ बता ही दिया है। क्विक सेटअप मोड पे आप जाएंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल के कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि हमने नीचे सेव का बटन है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज आता है और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक और सेव का ऑप्शन आएगा। सेव का ऑप्शन क्लिक करते ही राउटर रिबूट होगा और आप देखेंगे कि जैसे ही राउटर रिबूट होके अगेन वर्किंग पीरियड में आएगा तो उसमें इंटरनेट आ रहा होगा। तो बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, जस्ट फ्यू स्टेप्स फॉलो करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में लिंक शेयर जरूर करें जिससे कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें।